एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और घर पर होंगे। तो आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी लेकर आई हूँ, राजमा करी, राजमा मसाला। तो मैं बताऊंगी कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ, आप भी अपने घर पर ट्राई कर सकते हो। बहुत आसान भी है और जल्दी से बन भी जाती है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए मैं बनाना बताती हूँ, राजमा मसाला कैसे बनाते हैं, लेट्स गो। राजमा मसाला के लिए राजमा ले लिया मैंने, उसके बाद हमने इसमें दालचीनी, तेजपत्ता, बड़ी इलायची और लौंग ले लिया है। अभी हमें टमाटर चाहिए 3, ग्रीन चिली 2, प्याज 1, 1 और जिंजर गार्लिक, 2 स्पून धनिया पाउडर, 1 स्पून रेड चिली पाउडर, 1 ब्लैक पेपर पाउडर, 1 स्पून आमचूर पाउडर एंड हाफ स्पून हल्दी। ये भुना हुआ 1 स्पून क्यूमिन पाउडर है, जीरा पाउडर, और 1 स्पून गरम मसाला। अभी हम लोग राजमा को कुकर में डाल लेंगे। अभी 1 चम्मच हम लोग उसमें नमक डालेंगे। अभी हम लोग 1.5 ग्लास इसमें पानी डालेंगे। इसी में सारा खड़ा मसाला जो था इसी में डाल देंगे। इसको अच्छे से मिलाने के बाद इसमें 7 से 8 सीटी लगाएंगे। ऑलरेडी पैन में हम लोग तेल डाल के गरम कर लिए हैं, इसी में हम लोग अभी जीरा डालेंगे। और जीरा के साथ ही हमने 1 गार्लिक को तो छोटा छोटा काट के डाल दिया है। और अभी इसी में हम लोग प्याज डाल देंगे। और इसे ब्राउन होने तक अच्छे से भूनेंगे। ये देखिए हमारा प्याज ब्राउन हो गया, इसी में हम लोग वो पेस्ट डाल देंगे। इसी में 1 स्पून नमक डालना है। 1 स्पून में ऑलरेडी राजमा में डाल चुकी हूँ उसको बॉईल करने के लिए। अभी इसे 5 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पे अच्छे से भूनना है, जब तक तेल ना छोड़ दे। ये देखिए गाइस कितना अच्छा कलर आया है, तेल भी छोड़ रहा है। तो ये ऑलमोस्ट 2 मिनट और करेंगे तो परफेक्टली हो जाएगा। इसी में हम लोग सारे मसाला डाल देंगे और इसे 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे लो फ्लेम पे। ये देखिए गाइस मसाला कितना अच्छा भून गया, कितना अच्छा कलर आया है। ये देखिए ये हमारे लिए अब परफेक्टली पक चुका है। ये देखिए गाइस राजमा हमारा बहुत अच्छे तरीके से पक चुका है। ये देखिए अभी हम लोग राजमा जो है उनको सबको हम लोग मसाले में डाल देंगे और 2 मिनट्स के लिए हाई फ्लेम पे इसे अच्छे से मिला लेंगे। अभी हम लोग इसमें 1 स्पून डाल देंगे गरम मसाला, मैं हाफ ऑफ करके डाल रही हूँ। और 1 स्पून डाल देंगे हम लोग भुना हुआ जीरा का पाउडर। 1 मिनट के लिए अच्छे से इसे मिला लेंगे और ये रेडी हो जाएगा। ये देखिए गाइस हमारा राजमा रेडी है, कितना प्यारा कलर लग रहा है, बहुत ही यम बना है। आप लोग भी ट्राई करिए।